दो विषय, ये दो विषय एक दो ऐसे विषय हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो 160 अंक दिलवा सकता है 300 में से। और ये बात कोई मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं, कल्पनाशील बात नहीं कर रहा हूं, बहुत धरातल पे बात कर रहा हूं, जमीनी बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सभी को ज्ञात है कि आप इस बात को जानते हैं कि रीजनिंग के प्रश्नों का वेट आपकी परीक्षा में 55 प्रश्न का होता है। आप इस बात को जानते हैं एक प्रश्न 2 अंक का होता है, अर्थात 150 कुल प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 150 × 2 = 300 अंक। 160 अंक दिलवा सकता है दो विषय, इसका मतलब 300 में से 50% से भी ज्यादा अंक ये दो विषय दिलवाता है। इसीलिए आमतौर पे ये दो विषय ज्यादातर विद्यार्थी के अच्छे होते हैं। अच्छी बात है, इसको इतना और अच्छा कर लीजिए कि 160 से कम नहीं होना चाहिए। 160 मैंने प्रैक्टिकल बात की है, 160 मैंने ऐसे 170 80 भी कह सकता था। कारण है, सबसे पहले देखें ये ख लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ख लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका जो सिलेबस है अभी जो आपने देखा 23 तारीख को, कितने तारीख को, 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 23 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, आरक्षी नागरिक पुलिस का नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल। तो उसमें ख में दिया है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। याद रखिएगा, हमें तैयारी इसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से सिलेबस में लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि लॉजिकल डायग्राम तैयार करिए, मतलब तार्किक आरेख। अब ये तार्किक आरेख में क्या आ गया, एक तो वेन डायग्राम आ गया, वेन डायग्राम और सिलोजिज्म भी इसके अंदर सम्मिलित हो गया, सिलोजिज्म। उसके बाद कहता है सिंबल रिलेशनशिप। ये सिंबल रिलेशनशिप क्या है, ये सिंबल रिलेशनशिप क्या है, संकेत संबंध क्या है, इसे आप जानते हैं। इनइक्वेलिटी वाले इस प्रकार के प्रश्न जो करते हैं वो सिंबल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, और ये गणितीय संक्रियाएं भी सिंबल रिलेशनशिप के अंदर ही आते हैं। अगर आप मानेंगे, एक आरएस अग्रवाल की बुक देखेंगे तो उसमें सिंबल एंड सिंबल नोटेशन का प्रयोग किया, कुछ किताब और भी देखेंगे तो उसमें इनइक्वेलिटी कह दिया, किसी ने इनइक्वेलिटी नहीं कहा, सिंबल नोटिफिकेशन, सिंबल एंड उसे कहते हैं कि साइन, सिंबल एंड साइन का प्रयोग किया। तो उसे ध्यान रखिएगा, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन। उसके बाद परसेप्शन, ये जो परसेप्शन टेस्ट है इसको परसेप्शन टेस्ट को हम पूर्वानुमान के तौर पे भी रख सकते हैं और रखते हैं। परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है ये अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड प्रश्न, शब्द रचना निर्माण, जैसे आपको दिया रहेगा कि अलग अलग तरीके से इससे हम कौन सा शब्द निर्मित कर सकते हैं। नंबर सीरीज से आप परिचित हैं, नंबर सीरीज को तैयार करना है, और यहां पे लिखा है लेटर एंड नंबर सीरीज, देखिए प्रॉपर तरीके से दिख रहा है आपको, लेटर एंड नंबर सीरीज। और ये जो मैं दिखा रहा हूं ये ऑफिशियल सिलेबस है, ना कोई अपने मन से, इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस तैयार करना चाहिए अपना, ऑफिशियल सिलेबस का एक एक चीज कंप्लीट, नंबर और लेटर सीरीज। उसके बाद कहता है वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी। ये वर्ड एनालॉजी क्या है, जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर का, मान लिया जाए कि जैसे दिया गया है कि उदाहरण के तौर पे डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं चेक करने के लिए लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इंजीनियर का संबंध किससे है, उसी प्रकार से एडवोकेट का संबंध किससे, तो इसे कहते हैं वर्ड एनालॉजी। और साथ ही साथ आपको अल्फाबेट लेटर एनालॉजी भी करना है, जो सुबह 8 बजे की क्लास में, आप जानते हैं रीजनिंग की जो सुबह 8 बजे की क्लास होती है उसमें आप अभ्यास करते हैं, वर्ड एनालॉजी की बात हो या लेटर एनालॉजी की बात हो। और साथ ही साथ वर्णमाला में आंशिक समरूपता की बात करते हैं। कॉमन सेंस टेस्ट पता है क्या, कॉमन सेंस टेस्ट एक ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा जिसे आप कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं, उसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा, जैसे सिक्के वाले प्रश्न, वो कॉमन सेंस से संबंधित है, उसमें कोई ऐसा आधुनिक ट्रिक नहीं है, कोई एवरेज का प्रश्न नहीं है, कोई परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न नहीं है, उसे कॉमन सेंस के अंदर रखते हैं। और भी जब आप प्रश्न, जब आप क्लास में नियमित होंगे, चाहे परिश्रम बैच की बात करूं मैं, चाहे यूट्यूब पे जो क्लास सुबह 8 बजे चलती है रीजनिंग की उसकी बात करूं, उसमें आप ये प्रैक्टिस में देखते हैं। साथ ही साथ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा निर्देशन, इन सब टॉपिक को हमें अगर तैयार कर लिया, मैं फिर से बोलता हूं आर्ग्यूमेंट है ये, फोर्सफुल ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रभावी तर्क, और डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, मतलब अंतर्निहित, मतलब अंतर्निहित करता है पूर्वानुमान, पूर्व धारणा। उसी प्रकार से इसे मानसिक योग्यता हो गया, जिसे मेंटल एबिलिटी कहते हैं। उसके बाद एक आता है बुद्धि लब्धि परीक्षण,
इसे आईक्यू टेस्ट कहते हैं। इसमें आपको जैसे अभी आपने सीरीज देखा, इसमें भी सीरीज की बात है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। अब यहां पे सीरीज अभी आपने देखा लेटर और नंबर सीरीज, और यहां पे सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, रिपीट है चीज। लेकिन इसमें हो सकता है कि नॉन वर्बल सीरीज की बात करें, इसमें हो सकता है कि इस प्रकार की सीरीज की बात करें, जो आप इस तरह का सीरीज आप देखने को मिलेगा, डॉट 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 इसमें भरना होता है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के सीरीज मिले, फिर आप जानते हैं डायरेक्शन टेस्ट, प्रश्न आना है डायरेक्शन का, लिखा है तो आना है। इसीलिए इस सारे चैप्टर को तैयार रखिए। ब्लड रिलेशन टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित परीक्षण के, टाइम सीक्वेंस टेस्ट के प्रश्न आना है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट का कैसा प्रश्न होता है कि रीमा को याद है उनके पिताजी का जन्म 15 अगस्त और 19 अगस्त के बीच में, रीमा के भाई को याद है कि उनके पिताजी का जन्म 16 और 18 अगस्त के बीच में है, 15 और 19 अगस्त के बीच में, 16 और 18 अगस्त के बीच में, 16 और 18 अगस्त के बीच में 17 अगस्त आता है, और 15 और 19 अगस्त के बीच में भी 17 अगस्त आता है, तो कॉमन क्या हो गया, 17 कॉमन हो गया। तो 17 अगस्त को रीमा और रीमा के भाई दोनों के अनुसार कॉमन ले लिया हमने, तो इसे कहते हैं टाइम सिक्वेंस टेस्ट। एक हो गया वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप, चार्ट टाइप के भी प्रश्न आएंगे। जैसे आज सुबह आपने देखा था, सुबह की क्लास जो 8 बजे होती है प्रैक्टिस की क्लास, उसमें आपने देखा था। उसके बाद मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे शब्द दिया रहेगा, आज आपने देखा था लाल किला वाला प्रश्न, लाल किला, भारत, भारत के बाद है, लाल किला, लाल किला के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद भारत, भारत के बाद विश्व, विश्व के बाद ब्रह्मांड। मैंने कहा था लाल किला से आप ब्रह्मांड या ब्रह्मांड से लाल किला, इस प्रकार से इसे कहते हैं अरेंजिंग, शब्दों का क्रम, व्यवस्थित क्रम। और ये योग्यता परीक्षण है, एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बुद्धि लब्धि के बाद जो आगे आता है, आगे आता है ग, इसे कहते हैं तार्किक क्षमता। अगर आप इसे भी तैयार कर लेते हैं तो कुल मिला के 55 प्रश्न में से 55, आप देख लीजिए एक बार, मैं फिर से दिखा देता हूं। इसमें थोड़ा सा आपको नॉन वर्बल दिखेगा, एनालॉजी तो ही समरूपता, सिमिलरिटीज जिसे आप कहते हैं, डिफरेंसेस सबसे अलग चुनना है, भिन्नता चुनना है, स्पेस ये हो गया आपका नॉन वर्बल, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब डिसीजन मेकिंग के जो प्रश्न आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डिसीजन मेकिंग, जैसे योग्यता परीक्षण कहते हैं कि स्नातक एक विद्यार्थी है, उसको किसी प्रबंधन कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसको क्या होना चाहिए, स्नातक में क्या होना चाहिए, बीबीए जैसे कह सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए में उसको 60% लाना चाहिए, उसकी उम्र 18 से 28 के बीच होनी चाहिए, ऐसे हम आकलित करते हैं। एनालिसिस जजमेंट, ये भी आपका विश्लेषण निर्णय से संबंधित है, और डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता अलग कर दिया। तो ये जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके ना कभी भी सिलेबस जो है ना आपको कुछ कुछ शब्द ऐसे घुमा के दे देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप क्लास में देखेंगे तो सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है पहचानने के तरीके में, टाइप में डिफरेंस है। उसके बाद आपका आता है विजुअल मेमोरी, ये आपका दृश्य स्मृति रिलेटेड है किससे, नॉन वर्बल से, चाहे वो पेपर कटिंग हो, पेपर फोल्डिंग, कहीं आपको दिखा पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, दिखा नहीं दिखा ना प्रॉपर तरीके से, कहीं दिखा लेकिन प्रश्न आते हैं, दिखा नहीं ना, तो इसीलिए विजुअल, उसने शब्द अलग बदल दिया। शब्द मैंने आपको पहले भी बताया था कि शब्द के मतलब क्या, रिलेशनशिप, संबंध, कंसेप्ट, अवधारणा। उसके बाद अंक गणितीय तर्क, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग के प्रश्न आते हैं जो गणित जैसे दिखते हैं। जैसे कल भी आपने बनाया था कि ट्रेन की जो है एक सुरंग है, सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर है, और जो ट्रेन की लंबाई है सुरंग की लंबाई का 1/8 भाग है, ठीक है, और उसको 6 मिनट लगता है, तो बताएं कि ट्रेन की स्पीड इस तरह की, या ट्रेन की लंबाई कितनी है, इस तरह से बात निकालनी, ट्रेन की लंबाई या ट्रेन की चाल कितनी है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। फिर है वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और इसमें आकृति वाले प्रश्न आ जाएंगे। कुल मिला के अगर आप इन सभी चीजों को बना लेते हैं तो साथियों रीजनिंग में से 55 प्रश्न में से मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि 55 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, 50 प्रश्न लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको वचन देता हूं दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता।
वाकई अगर आप फुलफिल करते हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं, और आपने पहले भी पढ़ा है, वचन यूं ही नहीं देता, आपने पहले भी पढ़ा है और अच्छे नंबर लाते हैं, 55 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हमारा जो टारगेट है 55 में से 55 का टारगेट है। आप इसमें 51 लाएं, 52 लाएं, 53 लाएं, 54 लाएं, इसमें कोई, मैं बोलता हूं 50 अगर आपने ला दिया, अगर आपने 50 ला दिया, मुझे बस इतना बता दीजिए 50 ला दिया तो अंक कितने आए? अंक आ गए आपके पास 100। कितने अंक आए? 100। 100 अंक लाए आप। रीजनिंग में आपके कितने अंक आ गए? 100 अंक आ गए। टोटल 55 प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हिंदी की। हिंदी एक विषय है, रीजनिंग और हिंदी दो फैक्टर काम करता है, आर और एच। रीजनिंग और हिंदी, आर एच फैक्टर आपका काम करता है, आर एच फैक्टर याद रखिएगा, कौन सा फैक्टर? आर एच फैक्टर बहुत काम करता है। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रीजनिंग हिंदी। अब इसमें जो है हिंदी में इन जितने भी विषय लिखे गए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इन सभी चीजों को अगर आप जैसे सर्वनाम है, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सभी चीजों को, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, कुछ साहित्य के भी चीजें याद रख लेते हैं आप, तो मैं कहता हूं कि 37 में से, हिंदी के 37 प्रश्न में से, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम काट पीट के बोल रहा हूं, 37 में से, जहां तक मैं कहना चाहता हूं, 37 में से लाने का, जिस प्रकार से आप क्लास ले रहे हैं, 37 में तो आप 34 ला ही सकते, 33 ला ही सकते, लेकिन फिर भी मैं आकलित करता हूं, एकदम मिनिमम लेके चलता हूं, मिनिमम लेके चल रहा हूं, 30 प्रश्न तो कर सकते हैं, 30 प्रश्न तो कर सकते हैं। मान लिया साहित्य का प्रश्न आपको कभी नहीं आया एग्जाम में, जिस प्रकार से मैंने रीजनिंग में बोला कि 55 में से 50 तो कर सकते हैं, हो सकता है कुछ प्रश्न रीजनिंग में छोड़ने पड़ जाए एग्जाम में, होता है, मैं प्रैक्टिकल बात तो आपसे करूंगा ना साझा। तो 30 का मतलब कितना हुआ? 30 का मतलब हुआ 60 अंक, 30 का मतलब हुआ 60 अंक, 60 अंक इधर और 100 अंक इधर, 100 अंक और 60 अंक इधर, 100 अंक और 60 अंक मिलकर कितना बन गया? 160 अंक हो गया। कितना हो गया? 160 अंक हो गया। क्या 160 अंक आपको एग्जाम पास करवाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बात आती है कौन से विषय, सबसे टफ विषय जिसको आप तैयार करना चाहिए, जिसका नाम है जीके जीएस। इसको खूब मेहनत से तैयार करिए, और ज्यादातर विद्यार्थियों का गणित भी खराब है, और गणित को ठीक करिए, ठीक करिए गणित को, और जीके जीएस भारांक बहुत है, जीके जीएस बेहतर करने की कोशिश करिए जीके जीएस, और मैथ को ठीक करने की कोशिश करिए। मैथ सुनने में आता है कि कुछ विद्यार्थियों का खराब है, कुछ का बेहतर है, तो जीके जीएस और ठीक, कुल मिला के अगर 160 अंक ला दिया आपने, रीजनिंग और हिंदी मिलाकर, आर एच रीजनिंग हिंदी मिलाकर, उसके बाद आप इधर जीके जीएस इतना ठीक कर लीजिए कि मैं कहता हूं 38 में से जीके जीएस में ला तो सकते हैं ना दोस्तों, 28 ला सकते हैं ना 38 में से, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के नहीं आते, चलिए 12-25 तो ला सकते हैं, बस इतना करिएगा 25 लाइएगा, उसके बाद गणित में 10 भी ला देना, 9 भी ला दे, काम बन जाएगा।